एक गाने ग्राम महदीपुर कौशल्या जिला संतावी नगर की है। पिछले कई सालों से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। यहाँ लगभग 300 लोग बिजली से पीड़ित हैं। आपके गांव में कौन सी समस्या है? सबसे पहले तो हमारे गांव में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, जो उनके लिए सुविधा हो जाती, और आज तक हम लोग अंधेरे में हैं, उजाले में हो जाते। हमारे गांव में बिजली आज तक 50 साल हो गए, हमारे गांव में बिजली नहीं आई, और बड़े पूर्वे पर है, लेकिन हमारे दलित बस्ती होने के कारण जो है लोग नहीं यहाँ आने दे रहे हैं। समस्या यही है कि हमारे गाँव में लाइन नहीं है, तो जब लाइन नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बड़ी दिक्कत होती है। समय से लड़के पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल पर जाते हैं तो मार खाते हैं। वहाँ से मास्टर बताते हैं कि जब घर पढ़ो, तो जब घर पढ़े उजियाला नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। 2 लीटर तेल मिलता है, 2 लीटर तेल एक महीना कैसे चलेगा। यही कुल समस्या हमारे गाँव में खराबी है, लाइन की बहुत ज़रूरी है। हम बताए किस कारण नहीं बिजली लग रही है? जैसे कारण तो ये होता है कि जब सरकारी कोई प्रोजेक्ट आता है किसी विशेष निधि के लिए, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो विभाग को जो भी इस्टीमेट होता है वो उपलब्ध कराते हैं। सांसद विधायक निधि या सरकार का कोई निधि जो होता है, उसमें से जब उपलब्ध कराया जाता है तो विभाग इलेक्ट्रिफिकेशन करता है उसका। तो अब क्यों नहीं आया या कैसे नहीं आया, ये तो हमारे और अभियंता महोदय बता सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश राज्य के संतकबीर नगर जिले के मोहिद्दीनपुर गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, जिसके कारण पूरे गांव के 300 लोगों को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद जुटकर महिला अधिकार संगठन के सहयोग से इस वीडियो पर मैं बदलाव ला पाई हूँ। गांव में बिजली जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक बिजली लगी नहीं थी। हम लोग तो जो है जान लीजिए कि अधिशासी अभियंता के वहाँ और विधायक भगवान दास विधायक थे, कुशल तिवारी जी थे, सभी लोगों के पास बहुत से एप्लीकेशन डाले, और डीएम साहब के वहाँ तब पर भी नहीं कुछ हुआ। लेकिन माधुरी जी और राजू सर जी ये सब आए और समस्या हमारा जो है जा करके साथ में हल करवाए। सब अब बिजली लग गई आपके वहाँ? हाँ। कितने महीने हो गया लगे बिजली? 2 महीना हो गया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। बिजली कैसे लग गई है? वीडियो वाली आई थी, उनके हुआ साधन से हुआ है। मुद्दा लेकर के आया मोहद्दीपुर ग्राम सभा हरजन बस्ती में बिजली नहीं थी। वहाँ गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में काफी दिक्कतें होती थी। सितंबर में पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान बिजली विभाग का चलाया जा रहा था कि जो भी ग्राम सभाएं, जो भी पोले छूटे हुए हैं, सब में बिजली लगवाई जाए। हम बिजली विभाग संबंधित अधिकारियों से मिले, उस कैंप में जो गए, सबको ले गए, ग्राम प्रधान को भी ले गए, उस तरह तब आवेदन करवाए। आवेदन करवाने के बाद 3 दिन बाद उस गाँव में बिजली लगी। आज लोग खुशहाल हैं कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। बिजली लगवाने में काफ़ी मददगार जो वीडियो वॉलेंटियर माधुरी चौहान जी से भी वीडियो क्लिप बनवाया गया, जो कि ये वीडियो क्लिप नेट पे चला, इससे भी काफ़ी तो सुधार हुआ। काफ़ी लोग इस पे गौर किए, तब जा कर के इस गांव में बिजली लगी। आज खुशहाल हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं, वीडियो वॉलेंटियर माधुरी चौहान को और बिजली विभाग संबंधित अधिकारियों। मैं माधुरी चौहान, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला संतकबीर नगर, इंडिया अनहर्ड के लिए।